कैसे हैं आप? बहुत बरसात हो रही है ना? मैं बारिश में घूमने आया था, सोचा चलो आपका भी हाल चाल पूछता चलो। आप पानी में मत भीगना वरना बीमार पड़ जाओगे। तो मैं तो पानी में रहता हूँ ना, इसलिए पानी में घूमता रहता हूँ। आपको घूमने सेफ रहना है, ध्यान रखिएगा। बच्चों, आज हम कुछ गत्ते के रोल से एक पेंसिल बॉक्स बनाने वाले हैं। बच्चों, जो हम कॉपी पे पन्नी चढ़ाने के लिए प्लास्टिक का रोल लेके आते हैं, तो उसके अंदर एक इस तरह से गत्ते का रोल लगा होता बना होता है। जब हमारी पन्नी खत्म हो जाती है तो हम उसको उठा के अलग साइड में रख देते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम इससे एक बहुत सुंदर पेंसिल बॉक्स बना सकते हैं। बस हमें क्या करना है, एक तो हमें ये गत्ते वाला रोल चाहिए, कुछ हमें रंगीन पेपर अगर आपके पास होंगे तो आप रंगीन पेपर ले सकते हैं, या फिर इसको रंगों से रंग भी सकते हैं। फिर उसके लिए उसके बाद हमें इस तरह की कोई दो ढक्कन भी चाहिए जो इसके ऊपर फिट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा है, मैं उसमें आपको बता रही हूँ क्या करना है। इसमें आपने कोई भी रंगीन पेज को पेपर को चिपका देना है। जैसे मेरे पास ये छोटा सा एक टुकड़ा है, मैं आपको बता रही हूँ कैसे लगाएंगे इसको। ये एक चिपकने वाला पेपर है, इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, अगर आपके पास इस तरह का पेपर होगा तो आप ऐसे इसे भी लगा सकते हैं, या फिर आप कार्ड को भी चिपका सकते हैं फेविकोल से। अब इसमें हमारे पास दो ढक्कन होंगे, एक ढक्कन को हम इसके नीचे की साइड में यहाँ पर बंद करने के लिए लगा देंगे। देखिए, एक ढक्कन ऐसे फिट हो जाएगा, और फिर एक दूसरा ढक्कन जो है वो हम इसके ऊपर यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए, और इसमें आप यहाँ पर कुछ डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपके पास ये पेपर नहीं होगा तो आप वाइट पेपर लगा करके उसके ऊपर कुछ चांद सितारे मोती जो भी आपके पास कुछ रखे होंगे उसको सजा सकते हैं। मैंने इसको देखो एक इस तरह से बनाया है, आप इसे भी इस तरह बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर ये इस ढक्कन से हमने इसका ये वो बनाया है, टोपी बन गई है। और एक ढक्कन ये था, देखो इस ढक्कन को मैंने इसके नीचे की साइड में लगाया है। मेरे पास ये एक शादी का कार्ड रखा था, मैंने उसको सबसे पहले इसके ऊपर चिपका दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सफ़ेद हिस्सा सफ़ेद पेपर लेकर के उसको चिपकाया है। और ये कुछ ग्लिटर पेपर रखे थे, उसके मैंने इसके ये हाथ बना दिए हैं, और ये इसमें वो बना दी है, और इससे वाइट स्पार्कल से हमने इसमें इसकी पॉकेट और ये इसके बटन बना दिए हैं। तो
अब जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसमें भी एक पट्टी बना करके हमने लगा दी। आपके पास रंगीन पेज होंगे, आप उसे आराम से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बाजार से सामान खरीदना है। ये देखिए, अब हमने इसको जैसे बंद कर दिया, ये वाला जो ढक्कन है इसको हम यहाँ पर इस तरह से देखिए आसानी से ऊपर लगा देते हैं। अब इसमें आप देखो, जब स्कूल जाएंगे तो आप इसमें स्केल पेंसिल सब कुछ रख सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, ये देखिए, ये आपकी पेंसिल है, ये आपके मार्कर हैं, कुछ पेन हैं, एक पेन भी आ जाएगा। मतलब हम बच्चों के लिए जितना सामान हमें स्कूल में चाहिए उतना काफ़ी देखिए, इसमें आराम से रखा जा सकता है। उसके बाद हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो देखा ना, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा खर्च भी नहीं हुआ और हमने इसको बहुत आसानी से बना लिया। तो आपके घर में भी इस तरह के गत्ते के रोल, अगर आपके पास इस तरह के रोल बड़े होंगे तो बड़ा बन जाएगा, छोटा पतला वाला है तो छोटा बन जाएगा। हम किसी भी तरह का इसका डिब्बा बना सकते हैं। तो आप भी इस तरह के पेंसिल बॉक्स बनाइए, अपने साथियों को भी बर्थडे पर गिफ्ट दीजिए और अपने पास भी रखिए और स्कूल में लेके जाइए। जब आप इसको बनाएंगे बहुत मज़ा आएगा आपको, तो मुझे भी बना के दिखाइएगा। फिर मिलते हैं हम नई गतिविधि के साथ। बाय बाय।